खरगोन जिले में अवमानक पदार्थ बेचने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए प्रशासनिक अमले ने कमर कस तैयारी कर रखी है। वहीं बढ़वा पुलिस द्वारा आरोपियों को VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। इसी को लेकर जिला कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासनिक अमले ने इस बार बढ़वा के दूध डेयरी व्यवसाय करने वालों पर छापामार कार्रवाई करते हुए सैंपल लिया। जो निरीक्षण में अमान्य पाए जाने पर बढ़वा खाद्य अधिकारी ने अवमानक पदार्थ बेचने की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। इस दौरान बढ़वा के धर्मेंद्र कैलाश को पुलिस ने न्यायालय पेश किया, जहां जमानत को खारिज करते हुए उन्हें जेल भेजा गया। असलियत का पता तो उस समय चला जब न्यायालय पेश करने के लिए आरोपी गण को पुलिस द्वारा VIP प्रोटेक्शन के साथ प्राइवेट वाहन में लाया गया, जिस पर मीडिया के सवाल पर पुलिस कर्मियों की बोलती बंद हो गई और इधर उधर मुंह ताकते नजर आए। बाद में आरोपियों को खरगोन DRP लाइन से वाहन बुलाकर जेल ले जाया गया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये आरोपी कैलाश और धर्मेंद्र जो है ये दूध डेयरी का व्यवसाय करते हैं बढ़वा में। इनके द्वारा मिलावटी दूध और पनीर का जो है विक्रय किया जा रहा था। फूड इंस्पेक्टर बढ़वा द्वारा इनके विरुद्ध जो है नमूना इनके दुकान से लिया गया और उसको परीक्षण पश्चात जो है अवमानक पाए जाने पर पुलिस थाना बढ़वा को सूचित किया गया। पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 272, 273 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और साथ ही फूड एक्ट की भी धारा 26 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आज बढ़वा पुलिस द्वारा इनको दोनों अभियुक्तों धर्मेंद्र और कैलाश को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन से DS मंडल के न्यायालय प्रस्तुत किया गया, जहां मेरे द्वारा इनकी जमानत आवेदन का विरोध किया गया और अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन खारिज कर जो है इनको जेल में भेजने के बारे में आदेश पारित किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।